اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة الله وتوبة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غير المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات اللهم اعز الإسلام والمسلمين हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब मेरे भाइयों और उनकी बहनों। जुमा शुमा पढ़ लिया है, काम पे चलिए। शेरा को छोड़ो यार, जुमा था, जुमा शुमा पढ़ा है अभी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और बाकी अभी भी हम आगे बैठे हैं, अब कुछ खाने का अहतमाम होगा क्योंकि मोस्टली जुमे वाले दिन जो है घरों पे कुछ स्पेशल सा बनता है और सारे फिर खाते हैं बैठ के। तो अभी हम लोग खाने का अहतमाम करते हैं कुछ। और क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। इस व्लॉग को हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि खाने का अहतमाम बोलने के बाद से कहाँ गायब है। मैं कहीं नहीं गायब हूँ, मैंने खाना खाया था। अच्छा, खाने पे हुआ था सीन, कुछ बना ही नहीं था आज खाने में। मैंने ये तुक्के और ये सारी चीज़ें लगा रहा था, लेकिन खैर। तो अम्मी ने कहा था कि आज हम रात में बिरयानी बनाएंगे, तो अभी बन रही है बिरयानी। तो खैर, मैं फिर जो है मैंने नॉर्मली कुछ भी खा लिया था, क्या खाया था छोड़ें उसको। खाने के बाद फिर मैं सो गया था। अभी तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है, तो 7 बज रहे हैं अभी। मैं उठा हूँ कुछ ही देर पहले, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं कमरे में हूँ और व्लॉग बना रहा हूँ। और सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों से बात करने के लिए कि आवाज़ और ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आप तक पहुँचे, तो मैंने अपना फ़ैन ऑफ किया हुआ है। बहुत ज़्यादा बंदे को पसीना आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा खैर, शलवार कमीज सबसे पहले चेंज करना है। उसकी वजह यह है कि वाइट कलर का शलवार कमीज है, ये बहुत जल्दी गंदा होता है, और दूसरा इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो सबसे पहले चेंज करते हैं, तैयार होते हैं, सही है, कोई हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, कोई टी शर्ट, कोई चड्डा, कोई शड्डा, कुछ इस तरह का कुछ सीन बनाते हैं। उसके बाद फिर अपने भाइयों से, उनकी बहनों से फिर मुखातिब होंगे, फिर कुछ अच्छा सा दिखाएंगे, फिर एजम भी आ जाएगा तीली उस टाइम तक। एजम का आज पेपर भी था, एजम भी आ जाएगा, फिर देखते हैं आज क्या है क्या नहीं है, लेकिन व्लॉग बनेगा। और अयान क्या कर रहा है, अयान कौन है, अयान है मेरा छोटा भाई, सही है। वो इस वक्त मेरा ख्याल से क्या कर रहा होगा, वो गेम खेल रहा है। चलें उसको भी दिखा देता हूँ आपको। क्या सीन है अयान, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा है बच्चा। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। A few moments later. ओए, अच्छा मैं नहाया, फ्रेश हुआ, मतलब मैंने जो पहना हुआ है वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। मैं नहा के जैसे ही निकला ना, तो अम्मी की नीचे से आवाज़ आ गई थी कि बिरयानी बन चुकी है, आ जाओ। तो मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया, मोबाइल मेरा चार्ज पे था, तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सका कि कैसी बिरयानी बनी है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। क्योंकि अब पता है, बताने का मकसद ये है कि सुबह से हम लोग बिरयानी खाने को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कहा रिलेट हो रही है बात तो बता देता हूँ। खैर, ये सब तो हो गया, एजम से मेरी बात हो गई है। एजम हार्डली 5-8 मिनट में आ रहा है। एजम आ जाए तो फिर बाहर चलते हैं, ठीक है। बिरयानी खा ली है मैंने। ओके, चले आगे चल। हमारे को लेने के लिए, सही है। तो आप लोगों ने देख लिया रास्ते में मैंने इसको क्या किया क्या नहीं किया। कह रहा है काफ़ी सुन सा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा बताता हूँ। फिर तो इसको मारा है 2-3 दफ़ा, ये सेट हो गया है। ज़्यादा लगी है, चलता रहता। नॉर्मल केस है, नहीं है तो नॉर्मल केस कैसे?
बस पड़ गई है मेरे दिमाग पे, मेरे साथ टॉर्चर कर ये है। बोल रहा है मैं इसको जितना मारता हूँ ना उस हिसाब से इसको बस पड़ चुकी है। यार आप लोग बहुत ज्यादा खुश नसीब है, आज एक ही फ्रेम के अंदर मैं आपको तीन महान शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, एक ही फ्रेम के अंदर। ये दुनिया में पहली दफा होने वाला है तीन महान शख्सियत एक फ्रेम में। पहले फोकस करेंगे इनके ऊपर, शामिर खानजादा, उसके बाद फिर एजम शामिर न्याजी, शामिर न्याजी के बाद एजम टीली। दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने आने वाले हैं बल्लू द चेयरमैन। ये ओ ये क्या ये कौन थी वो? आप क्या कहना चाहते हैं इस बातों पे, ये जो बच्चों ने बातें की हैं, आपको क्या विचार है भाई? ठीक है, भाई को पसंद है तो ठीक है, बात करें और क्या कहेंगे भाई जान इससे ज्यादा। यार ये आप ज़ूम क्यों कर रहे हो? बोले सही से ज़ूम कर सही से कर। तो अबे जीवा बना डायरेक्ट, मेरे पास दो जीवा है बस, उनको भी वायरल करें। तू बता अपने दिल से, ये क्या नाक में उंगलियां क्यों डाल रहा है? इनके भी दांतों की लड़ाई होगी दोनों की आपस में भाई, व्लॉग के लिए चलो लड़के दिखाओ, लड़के दिखाओ। जा रहे हैं एजम के अब्बू, वो जा रहे हैं इतने बड़े इतना बड़ा होगा। हाँ भाई कान का दूध पिला मेरे को। क्या कह रहा है? दूध पीना है इसको, लस्सी पिला वरना दूध पिला। अरे माँ की कोसमेंट जो सारी रात कही, मैं तो वैसे ही जाना है। बेहतरीन एक और महान शख्सियत हमारे बीच में आ चुकी है, हमारे कीमती साथी रमजानों के मशहूर और मारूफ, दिल थाम के बैठे इमरान खान के बाद मलक साहब। ईद मुबारक। कौन थी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर ईद मुबारक हमारे बहुत बेहतरीन प्लेयर गौहर के, नंबर वन चैंपियन। निकाल दे 50,000 से ऊपर की बैटिंग खेली हुई हमारे मलक साहब। बैठे मलक साहब तशरीफ रखें, आ जाएं देखें भाई। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं इनके आने से सब खड़े हो गए, ये कितने गिरे हुए हैं कि हमें खड़ा होना पड़ा है। मजी है किंग भी कर लिए व्लॉग। A few moments later यार बैठे ना हमारे बीच में एक मैच लग गई है, क्योंकि लस्सी को पिलाने के लिए तैयार नहीं था तो उसके लिए हमने मलक साहब को घेरा है बड़ी मुश्किलों से रमजान के बाद। अब मलक साहब हमारे हाथ लगे तो एक लूडो का मैच खेलेंगे, जो हारेगा वो 6 लोगों को लस्सी पिलाएगा। मुझे पता है आप लोग तंग हो गए होंगे लस्सी देख के, लेकिन आज की लस्सी बहुत ज़बरदस्त होगी क्योंकि हजम होगी वो लस्सी। मलिक साहब क्या कह रहे हैं आप इस बारे में? मैं यही कह रहा हूँ कि यार जो है ना राफे को बोलो तैयारी पकड़े, देखो क्या होता है। स्पॉन्सर कौन कौन है? स्पॉन्सर राफे मुझे कर रहा है, सही है। मलिक साहब जो है वो बल्लू को करेंगे, ये राफे मुझे करेगा, बस यही है। जो 3 रहेगा उनको कौन करेगा? वो भाई इसने बोला 6 की लगा रहे, 6 अच्छा आपको तो वैसे ही निकाल दिया, आप तो लस्सी पीते ही नहीं है ना इस वजह से, अदरवाइज आप पीते तो भी हम नहीं पिलाते आपको। मैं तो घर जाऊंगा। बल्लू ले आया भाई लूडो, ये लूडो यहाँ पे रखा है। कौन लाया हूँ लेकिन लूडो बल्लू का? हाँ बल्लू मतलब बल्लू के साथ से लाया हूँ यार, जी गलत बात क्यों समझ रहे हो आप लोग? भाई आपके घर में नहीं लाया मैं लूडो आपसे, चलो यार छोटी छोटी खुशियों में खुश होने दिया करो इनको, छोटी छोटी खुशियों में आपकी मोटी हो गई है। भाई ये आपस में लड़ रहे हैं, हम मैच खेलते हैं अभी, डायरेक्ट खेलने के बाद अब आपको लस्सी वाले के पास मिलेंगे। इतना बार बोलना अच्छा थोड़ी है भाई। हाँ भाई बल्लू लेके आ छक्के आ रहे, थोड़ा रास्ते में पाशा भी से रास्ते में आया तो गेम सीधा इधर मलिक साहब लग रहा है ऊंची शॉट लगी, बड़ा सनसनी खेस हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा इतने ज्यादा छक्के ले आए कप्तान के, कप्तान को समझ नहीं आ रहा इन छक्कों का करना क्या है। 3 छक्के 1 आ गया, हाँ सही है, चौथा छक्का इनके घर पे लेके चले जाते यार हमारा। हम दोनों पार्टियों का ना काने पे गेम फंस गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत चुके हैं। अब देखें सब सवारी निकल रही है यहाँ से, गाड़ियाँ सबकी रेडी हैं, अब लस्सी पियेंगे। कप्तान को आप देख सकते हैं मोए होगी और जिसने हराया वो गायब है। हाँ
हम लोग जो है अजमेरी लस्सी पहुंच गए। हमारे साथ नागौरी आया है अजमेरी लस्सी पर। ये बहुत बड़ी और बहुत अनोखी बात है। एजम जो है आज मुझे मना नहीं कर रहा व्लॉग बनाने से, पता नहीं क्यों। एजम भाई क्यों नहीं मना कर रहे आज आप हमेशा मना करते हो यार। आज इनके अब्बू आए ना, राफे अब्बू, तो इस वजह से मना नहीं कर पा रहा है। कप्तान की तरफ से ट्रीट है आप लोगों के सामने। कप्तान काड़ा नहीं आया जो, अच्छा इसका काड़ा नहीं आया, सॉरी यार। ये फिर पीते थी आ गई है यार हमारी। हाँ भाई क्या कह रहा था तू, दूध कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे घर से? नहीं नहीं, हमारे घर से नहीं। फिर किसके? एजम के? इनके अपने बाड़े होंगे अजमेरी। किनके? इनके नागौरी को है। नागौरी तो ये तो इनके घर, तुम्हारे घर से आ रहा है भाई दूध? फिर मैंने अपना बाड़ा खोला हुआ इधर इधर इनके पास। मेरा बाड़ा किधर है? मेरे पास खोली के हमारा तो खानदानी काम है बाड़ों का। तो ये मैंने खोला हुआ इधर, चारा दे रहे हैं इनकी गायों को, इनके अम्मे खुल के। ये क्यों एंजॉय कर रहे हैं? चलो खैर अब लस्सी पीते हैं, लस्सी पी के फिर बात करते हैं यार आप लोगों से। अच्छा तो गाइज हम लोग घर आ चुके थे, ठीक है। टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। सन्नाटा आप लोग देख सकते हैं किस कदर है। ये टाइम है हम लोगों के घर आने का। से मुझे अभी घर पे उतारा है, अब बस घर जाते हैं। जाहिर है घर जाऊंगा, फिर व्लॉग को एडिट करना है। व्लॉग एडिट करता हूँ, टाइम से आप लोगों को व्लॉग पहुंचाते हैं। इसको भी अलविदा कहते हैं भाई, 2:30 बज रहे हैं, एहतियात से जाओ। कल का क्या सीन? कहीं मर जाओ। सही है। कल का ये सीन है, कल का सीन फोन पे मैसेज बता दूंगा, अभी फिर सुन लेंगे तो फिर सस्पेंस खराब हो जाएगा। खैर व्लॉग को यहाँ पे हम एंड करते हैं। यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लाजमी करें। नहीं कर रहे ये सब कुछ हो रहा है गलत, ये मुझे लग रहा है बहुत गलत। अब दिल पे पत्थर, दर्द, तकलीफ। लंबी करता हूँ फिर आप लोग बोलते हैं लंबी करता है, लंबी नहीं करूँ क्या करूँ यार। मुझे मतलब पता चल रहा है इंडिया से लोग देखते हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो चीज़ें पता चल रही हैं। तो अब इंडिया वालों को जो इंडिया से देख रहे हैं उनको नमस्ते, सत श्री अकाल, सब कुछ यार। सब्सक्राइब करें यार, आगे भी करवाएं। थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को यहाँ पे हम एंड करेंगे। कुछ कहना चाहते हो? अल्लाह हाफिज़।